सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो सब? कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट एंड डिमांडेबल गाड़ी अर्टिका के बारे में। ये दोस्तों एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है और काफ़ी लोग बाग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, स्पेशलिटी तौर पर जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ चलाया करते हैं वो तो काफ़ी लोग मेरे पास एटलीस्ट कॉलिंग करके बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं अर्टिका गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, उन लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए लेकर आ चुका हूँ बिल्कुल शानदार कंडीशन की मारुति सुजुकी की अर्टिका गाड़ी। ये दोस्तों, इस गाड़ी की अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल नंबर है 2016 और ऑल ओवर 360 एंगल से पूरी गाड़ी की कंडीशन की अगर बारे में बात करें तो दोस्तों, मॉडल वाइज अगर इस गाड़ी की कंपैरिजन करी जाए तो बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल जेन्युइन देखने को मिलने वाली है। वो इसलिए मिलने वाली है क्योंकि जो गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विसेज होती रहती है, तो गाड़ी की अपकोस्टली जो है वेल मेंटेन रखी गई है, तो गाड़ी की साफ सुथरी कंडीशन तो वैसे भी देखने को मिलने वाली है। 2016 मॉडल से लेकर 2019 तक की जो जनरेशन आया है अर्टिका का, उस गाड़ी का मोस्ट एंड डिमांडेबल जो है मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है 2016 से लेकर 18 मॉडल वाली जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन अर्टिका रहने वाली है और फिलहाल तो अभी क्या है कि थर्ड जनरेशन चल रही है, लेकिन मेरे पास स्पेशलिटी तौर पर सेकंड जनरेशन अर्टिका की बहुत ज़्यादा डिमांड आती रहती है। और दोस्तों, जो मैं अर्टिका गाड़ी की बात कर रहा हूँ 2016 मॉडल यूज्ड, तो इस गाड़ी के अगर वेरिएंट की अगर बारे में बात करें तो वीडी वेरिएंट रहने वाला है। जी दोस्तों, बेस वेरिएंट रहने वाला है और अधिकतर बेस वेरिएंट ही डिमांड करता रहता है, मेरे पास वीडी वेरिएंट रहने वाला है अर्टिका के अंदर 2016 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ में। यह दोस्तों 2016 से स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आया करता था, दो कि आपको पता है कि स्मार्ट हाइब्रिड किस लिए काम में आता है गाड़ी के, मतलब माइलेज में इंप्रूवमेंट लाने के लिए स्मार्ट हाइब्रिड इंजन का प्रयोग किया गया है। तो 2016 का मॉडल गाड़ी है, इस गाड़ी के ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑल पेपर्स कम्प्लीट ही मिलने वाले हैं, इंश्योरेंस जो आपको बिल्कुल रनिंग कंडीशन में मिलने वाला है और जो गाड़ी के ऑल डॉक्यूमेंट्स है गाइज वो भी जो आपको पूरे कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। और दोस्तों, मैं वीडियो चाहते थे पूरी गाड़ी को आपको दिखाने वाला हूँ, आप खुद ही चेकआउट कर लीजिएगा पूरी गाड़ी के इंटीरियर को, एक्सटीरियर को, गाड़ी के टायर्स, गाड़ी की पूरी बॉडी लाइन वाइज को एक बार आप खुद ही चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं इस गाड़ी की आसिंग प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस रहने वाली है ओनली फॉर 7,30,000 रुपये कैश में। ये दोस्तों 7,30,000 रुपये कैश में लाइए और इस गाड़ी को आप अपने घर ले जाइए कैश में, और कैश की प्राइस रेंज में जो है थोड़ा बहुत कंजेक्शन, मतलब नेगोशियेबल मान लो या फिर आपका मान सम्मान मान लो, जरूर रखा जाएगा। जी दोस्तों, ये राजस्थान है, इसमें जो है थोड़ा बहुत मान सम्मान तो जरूर रखा जा सकता है क्योंकि यूज्ड मार्केट है, तो यूज्ड मार्केट में एब्सोल्युटली जो है थोड़ा बहुत मान सम्मान या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड जरूर रखा जाएगा। तो और रही बात लोन की, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इस गाड़ी पर 85-90% दोस्तों जो है लोन की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कोई से भी ब्रांच से आप लोन करवा सकते हो इजीली, अगर आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छा होता है तो लोन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो डाउन पेमेंट की अगर बारे में बात करूँ तो मात्र 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट जमा करवा कर इस गाड़ी को आप अपने घर ले जा सकते हो। जी दोस्तों, मात्र 1,00,000 रुपये में इस गाड़ी को आप अपने घर ले जा सकते हो लोन पर, बाद में जो आपको EMIs पे करनी होंगी वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कितने साल तक या फिर कितने ईयर तक की आप EMIs करवाना चाहते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको पूरी गाड़ी को। और दोस्तों, इस गाड़ी का पूरा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन से इस गाड़ी के एड्रेस को पता कर या फिर डायरेक्ट हमारे से कॉन्टैक्ट कर, हमारे इंस्टाग्राम ID यहाँ पर मेंशन की गई है, तो डायरेक्ट हमारे से कॉन्टैक्ट कर भी इस गाड़ी को जो है फटाफट परचेज कर सकते हो। और दोस्तों, नेक्स्ट गाड़ी कौन सी चाहिए हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा, वो क्या है फिर नेक्स्ट गाड़ी आपके लिए वही ले जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको पूरी गाड़ी को, लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आप गाड़ी के एक्सटीरियर को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल है, फ्रंट से अगर बारे में बात करूँ तो सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ में। हेडलाइट की अगर बारे में बात करूँ तो बिल्कुल चमचमाती हुई हेडलाइट आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्मल हेलोजन लैम्प के साथ में, नीचे जो है फॉग लाइट यूज रखी है। फ्रंट के टायरों की अगर बारे में बात करूँ तो बिल्कुल 85% प्लस तक जो इस गाड़ी के फ्रंट के टायर कम्प्लीटली देखने को मिलने वाले हैं। एसेसरीज यूज हो रही है, DDS की ब्रांडिंग मिलने वाली है, डीजल वेरिएंट आपको बताया कि DDS की ब्रांडिंग मिलती है डीजल वेरिएंट के अंदर। साइड की प्रोफाइल आप चेकआउट कर सकते हो बारीकी से। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो फर्स्ट डोर पे जाए पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं, स्टेयरिंग व्हील को आप देख सकते हो, स्टेयरिंग व्हील के अंदर ऑडियो के कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं और बेस्ट क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलने वाला है, मीटर्स जो एनालॉग में मिलने वाला है। सो सेंटर की अगर बारे में बात करूँ तो बेस्ट क्वालिटी का कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम यूज रखा है जो कि ब्लूटूथ ऑक्स वगैरह इन सब को जो सपोर्ट करता है। मैनुअल गाड़ी इसलिए मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब गियर लीवर आपको देखने को मिलने वाला है। 7-सीटर गाड़ी है तो इसमें एब्सोल्युटली जो है 7-सीटर का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। बेस्ट क्वालिटी के कंपनी फिटेड फैब्रिक टाइप की जो सीटें यूज रखी है बिल्कुल लग्जरी सी टाइप की, आपको बताया कि अर्टिका तो बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है। सो इंटीरियर की अगर बारे में बात करूँ तो फाइनली तो शोरूम कंडीशन जो इस गाड़ी का इंटीरियर मिलने वाला है। बैक के टायर की अगर बारे में बात करें, बैक का जो टायर है ये भी बिल्कुल 90% प्लस तक मिलने वाला है। चारों व्हील में व्हील कैप यूज रखी है,
क्रोम का फिनिशिंग कंपनी फिटेड यूज़ हो ही रखा है, और बेसिकली जो भी एसेसरीज यूज होती है वो कंपनी फिटेड इस गाड़ी के अंदर लगाई हुई है। VDI स्मार्ट हाइब्रिड की जो ब्रांडिंग मिलने वाली है, अर्टिगा मारुति सुजुकी की बेजिंग मिलने वाली है। टेलाइट की अगर बारे में बात करूँ तो बिल्कुल चमचमाते टेलाइट देखने को मिलने वाली है। SSVHS का मतलब होता है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग मिलती है। और लेफ्ट साइड बैक के टायर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बिल्कुल 95% तक मिलने वाला है, मतलब इस गाड़ी के जो रियर के टायर है वो 95% तक मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 90-95% तक अपन मान सकते हैं। और जो फ्रंट के टायर है वो 75-80% तक मिलने वाला है। दोनों साइड DDI की ब्रांडिंग मिलने वाली है। हेडलाइट की अगर बारे में बात करूँ तो नॉर्मल हैलोजन लैंप के साथ में जो है चमचमाती हुई हेडलाइट आपको देखने को मिलने वाली है। पूरी गाड़ी के अंदर आपको सिंगल स्क्रैचेस भी जो देखने को नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल वेल मेंटेन रखी गई गाड़ी आपको जो देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों देख सकते हो ये थी अर्टिगा गाड़ी, और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल गाइज, धन्यवाद। थैंक यू जी।